हेलो अवतार जी नजर मार जी वो की यार कोई फोन पे बात कर। बिल्कुल देखो ये सबसे पहले मैं सभी कोई पत्रकारों को नमस्कार बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत सपोर्ट करी आप लोगों ने। जब भी मैंने हरियाणा में फाइट रखी है अम्बाला सिटी में, राजीव गांधी स्टेडियम में, और मैं चाहता हूँ कि आपके जरिए सभी जितने मेरे दोस्त मेरे भाई मित्र जितने मेरे को स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, कि सब लोग आए ताकि मतलब उनको जो टीवी पे देखते थे वो ताकि मतलब वो लाइव देख सके। और दूसरा ये कि जो अपने जो हरियाणा के जो स्पोर्ट्स मैन है, स्पोर्ट्स जितने भी स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते ताकि उनका हौसला बढ़े कि भैया जो मतलब आपकी जो सारे ऑडियंस की उनकी ब्लेसिंग बहुत जरूरी होनी चाहिए। वो तभी होएंगी जब सारे लोग आएंगे, जैसे आप लोगों को फिल्म देखने जाते बच्चे से लेकर बूढ़े तक ऐसा जाना चाहिए, सारे को आना है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सब लोग आए, ये है तो CW का है, अगर कोई मुद्दा को छीन के ले जाए उसका मैं कह नहीं सकता। यही मतलब अगर हम फ्री पे ढूंढेंगे, मतलब देखो ना फ्री पे ढूंढेंगे तो कैसे हम प्रमोट करेंगे। अब क्रिकेट देखते हो आप, वहाँ भी तो टिकट लगाते हैं। अब जो बाहर से फॉरेन से रेसलर है आप पे कर दो उनका, मैं फ्री रख दूँ, ठीक है ना, आप पे कर दो मैं फ्री रख दूँ। अगर कोई बंदा कोई बोलता ना मैं पे करता हूँ, उनके टिकटें पे करता है, उनकी जो फीस होगी, जो रेसलर हिंदुस्तान के हरियाणा के रेसलर है उनका पे कर दो मैं फ्री कर दूँ आपको। टारगेट रखा है हमने 10,000 का, 5,500 वाली और 5,000 वाली भाग ले रहे। जैसे 10 खिलाड़ी तो फॉरेन के हैं, ये है कनाडा और अमेरिका और साउथ अफ्रीका, और 20-25 हिंदुस्तान से, जिसपे ज्यादा होंगे मतलब 10-35 के बीच। जो सबसे ज्यादा है वो हरियाणा के, और हरियाणा के होंगे घटो घट 10 लड़के। देखो ये रेसलिंग का थोड़ा बहुत हादसा होता रहता है, और बाकी मतलब ठीक है, ऐसा मतलब मेरी बात हुई थी ठीक है, काफी फर्क है। हाँ जी कल आएंगे जी। सेलिब्रिटी राखी है, अर्शी खान है, और खान साहब है सिंगर, और एक दो और होंगे। मतलब मेन फाइट रहेंगी मतलब आई थिंक सुखी की और बॉडी स्टील की और क्रिस मास्टर की। तो अभी कोई सपोर्ट नहीं है ऑनेस्टली मतलब, और आप जैसे भाई है आप लोग सपोर्ट कर रहे यही बहुत है। किसी कोई ये चीज बताना नहीं चाहता कि क्या सपोर्ट होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। मैं तो अपना सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ मतलब मैं अपने लिए अपनी ओर से क्या कर सकता हूँ कि भाई मैं सोचता हूँ कि भाई मैं जो कर रहा हूँ मैं अपनी नज़र से देखता हूँ, मैं आपकी नज़र से नहीं अपनी नज़र से देखता हूँ मैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन जो प्रोफेशनल रेसलिंग है जो आप जो हमारे हाथ से मुद्दा अमेरिकन ले गए थे, जो हमारी गेम थी ये रेसलिंग की, वो अमेरिका ने अपनाई, उन्होंने अपने हिसाब से उसको मोटिवेट किया और पूरे वर्ल्ड पे वो नंबर 1 स्पोर्ट्स बन गई एक। तो मैं चाहता हूँ कि उसको वापस लाऊं मैं, और अपने हिंदुस्तान में इसको मैं लेकर फिर से स्टार्ट करूँ। नौजवानों का इतना क्रेज है, और पूरे हिंदुस्तान से पूरे वर्ल्ड वाइड से मेरे को बहुत प्यार मिला है रेसलिंग के इससे मतलब, है ना, बहुत लोगों ने मेरे को रेकोगनाइज किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे बंदे और भी हुए, और ताकि मतलब उनका पूरे मतलब USA पे पूरे वर्ल्ड वाइज में उनको देखे। जैसे आप नहीं ये आप ना गलत मतलब मुद्दा बना रहे, हरियाणा सरकार के बहुत सपोर्ट है तभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर हरियाणा की सपोर्ट ना हुए तो मेरे को ये क्या बोलते बैरियर से अंदर नहीं घुसने दे मेरे को,
सर ये चीज आप गलत मत बताओ। देखो देखो ये मतलब बड़ा लोगों का क्वेश्चन है कि मैंने बिल्कुल हॉलीवुड बॉलीवुड मैंने दोनों में काम किया, टीवी शो हॉलीवुड और जब बॉलीवुड के दोनों पे काम करा है। अपना जैसे बोलते ना कि कीड़ा मतलब आप पत्रकार हो, आपको आपको हो सकता है दूसरी आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, पर आपको जैसे बोलते ना कि पत्रकारी का कीड़ा मतलब वो मतलब आप बोले मैं नहीं करना ये, मैं पत्रकारी करनी है, दर्शन से धक्के मुक्के पड़े कोई नहीं लेकिन उन्होंने पत्रकारी करनी है। सो ऐसे ही अपना कि मेरा जो फिल्म बनाना कि मैं प्रोफेशनल बंदा नहीं हूँ, मतलब मैं एक्टर नहीं हूँ कोई, मैं लेकिन मैं रेसलर हूँ, मेरे अंदर कीड़ा क्या स्पोर्ट्स को प्रमोट करूँ, स्पोर्ट्स को एक आगे बढ़ाओ, ठीक है। जैसा मैं तरसता था WWE के जाने के लिए, ऐसे मेरे जैसे बंदे बहुत है, 300 बच्चा है जो गलत रास्ते पे कोई अलग अलग काम करते थे लेकिन उनको कन्वर्ट किया मैंने और उनको मैंने उस पर लगाया कि भी आज आपको रेसलिंग करो। अभी यहाँ पर उससे ज़्यादा होंगे मैं पक्का, मेरे को ये लगता है। और अगर हम सोचते कि अगर 10,000 भी टिकटें हमारी बिकती है तो हम उसी पर बहुत खुश है। मतलब बाई मिस्टेक से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी तो उसने सोचा कि कंपटीशन है चलो उसको एक दे दो, मतलब तो मेरे को लगता है कि आज मिसअंडरस्टैंडिंग से उनका हुआ है, पर अभी ये जो फिर मतलब मैनेज कर लिया। यहां तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मैं इस बार में बताऊंगा भी या तो फाइट करनी प्रॉपरली या मतलब ऐसे नहीं पटकना, मतलब है ना। यहाँ पर 5 होंगी, 3 फॉरन की होंगी और 2 इंडिया की, 3 फॉरन की होंगी 2 इंडिया की।